हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेस्ट। यहाँ आज हम आए हैं नर्सरी और देखिए नर्सरी का ओवरव्यू और साथ के साथ आपको अभी कौन से प्लांट ले जाने चाहिए अप्रैल के मंथ में वो भी मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये नर्सरी पड़ती है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, अरपा नदी के पुल के नीचे आप देख रहे हैं। ऊपर पुल है, उसके जस्ट नीचे जहाँ से पुल ख़त्म होता है उसके जस्ट नीचे ये नर्सरी है। तो सीपत चौक के पास ये नर्सरी पड़ती है और इंडियन नर्सरी नाम है इसका। अक्सर मैं यहाँ पर जाती रहती हूँ और कई बार मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की है। प्लांट यहाँ पर काफ़ी अच्छे हेल्दी आपको मिल जाते हैं और बहुत सारी वेराइटीज़ भी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रोज़ है जो काफ़ी अच्छे हैं, आप इनको समर में ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये कश्मीरी रोज़ है, मतलब देसी रोज़ है फिर कश्मीरी रोज़ है, दोनों में मतलब है। तो ये काफ़ी अच्छे से चलते हैं पूरे समर, ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हिबिस्कस के प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर और हेल्दी से प्लांट है, कलर भी काफ़ी खूबसूरत से। मैं शाम के समय गई थी तो फ्लावर सारे मुरझा चुके थे क्योंकि धूप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है, लगभग 42 टेम्परेचर हो गया है दोपहर का और ज़्यादा भी हो जाता है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और इसी वजह से फूल जो होते हैं, वैसे भी हिबिस्कस का फूल एक दिन ही खिलता है, सुबह खिलता है शाम तक मुरझा जाता है। बहुत कम ऐसे प्लांट होते हैं जो दो दिन चलते हैं, नहीं तो लगभग एक दिन है। ये शायद डबल पेटल में था, मैंने सोचा था इसको लेने के लिए कि मैं ले करके आऊँगी ऑरेंज कलर में, बट आते आते ध्यान से निकल गया और फिर मैं नहीं ला पाई प्लांट। मैं नेक्स्ट टाइम फिर कभी जाऊँगी तो अगर मिल जाएगा तो ज़रूर इसको लेकर के आऊँगी। प्लांट वैसे काफ़ी ज़्यादा छोटा था, 50 रुपीज़ प्राइस है, लेकिन प्लांट बहुत ही हेल्दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ले सकते हैं प्लांट, हिबिस्कस इस समय आप ऐड कर सकते हैं। बस रिपोर्टिंग का अगर आप रिपोर्ट करते हैं ना तो उसकी जो कैप होती है, जो बास्केट होती है, उसको निकाल करके रिपोर्ट मत कीजिएगा अभी। उसको निकालने का बेस्ट टाइम जो होता है वो रेनी सीजन होता है। अभी आप लाते हैं तो उसको जैसा का तैसा आप या तो पॉट में लगा है तो पॉट में रखिए, या तो फिर आप रिपोर्ट करते हैं तो रूट बॉल को ज़्यादा डिस्टर्ब किए बिना, हाँ 50% उसकी मिट्टी निकाल सकते हैं अगर गार्डन की चिकनी मिट्टी है तो। उसके बाद देखिए जीनिया को आप इस समय जरूर लेकर आइए, बहुत ब्यूटीफुल से प्लांट होते हैं और समर भर पूरे समर फ्लावरिंग करते रहते हैं। इसके बाद नर्सरी से लाने वाले देखिए ये हैं सनफ्लावर के प्लांट, आप इस समय सनफ्लावर भी जरूर लेकर के आइए क्योंकि सनफ्लावर पूरे फुल सनलाइट में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये ग्रोथ करते हैं। आपको अगर ब्यूटी ग्रीनरी ऐड करनी है तो आप मधुकामनी टेबल कामनी का प्लांट जरूर लेकर के आइए, ये भी मतलब पूरा धूप को बर्दाश्त कर लेते हैं ये प्लांट, और आप थोड़ा सेमी शेड में रखेंगे तो ये दोनों जगह पे चल जाते हैं। तो आपके पास जैसी जगह स्पेस है उस हिसाब से आप प्लांट को ला सकते हैं, साथ में आप क्रोटन भी ऐड कर सकते हैं, क्रोटन में भी देखिए कितनी सारी वेराइटी है। उसके बाद इधर देखेंगे तो सारे विंटर के प्लांट हैं, विंटर के प्लांट आप बिल्कुल भी मत लाइएगा, फूल भले अच्छे खिल रहे होंगे लेकिन अब अगर आप लाएंगे तो आपके यहाँ ज़्यादा दिन 1 महीने 15 दिन चल सकते हैं अगर लेकर के आते हैं, तो बिल्कुल गलती मत कीजिएगा कोई भी विंटर के प्लांट लाने से। ये देखिए बेबी सनरोज है, आप बेबी सनरोज प्लांट की इस समय कटिंग भी लगा सकते हैं और नर्सरी से इस तरह से ला सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होता है, आप हैंगिंग बास्केट में इसको जरूर ला करके लगाइए तो बहुत ज़्यादा सुंदर प्लांट होता है। इधर इस समय आप सीजनल प्लांट में कॉस्मोस ले सकते हैं, पेंटास भी ले सकते हैं, पेंटास अभी भी नर्सरी में मिल रहे हैं, ये परमानेंट प्लांट है, पूरे साल चलता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसके फूल होते हैं। कलर आपको दिखा दूँ तो देखिए कलर कई सारे हैं और 40 रुपीज़ इसका प्राइस है यहाँ पर, तो आप पेंटास का प्लांट ज़रूर लीजिए, काफ़ी सुंदर सा हेल्दी सा प्लांट होता है जो सालों साल फूल देता है बरसात में, लेकिन आप उसकी कटिंग जरूर लगा लिया करें ताकि न्यू प्लांट तैयार हो जाए। बोगनवेलिया देखिए मैं लाना चाह रही थी बोगनवेलिया, लेकिन मैंने इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह ले लिए थे कि बोगनवेलिया फिर लेने के लिए स्पेस ही नहीं बची, मतलब गाड़ी में रखने को जगह नहीं थी और बन नहीं रहा था तो मैंने फिर नहीं लिया इसका। मुझे ऑरेंज कलर, वैसे तो येलो ऑरेंज सारी सुंदर है पिंक, लेकिन मुझे ऑरेंज कलर इसका काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा था, मैंने सोचा भी था मैं ले कर चलूँगी और 50 रुपीज़ ही प्राइस था, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं थी, काफ़ी सुंदर सा देख सकते हैं आप यहाँ पर, बहुत प्यारे प्यारे से हैं कलर। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी जाऊँगी तो ज़रूर लेकर के आऊँगी, ऑरेंज कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बोगनवेलिया में, ऑरेंज या फिर येलो दोनों में से कोई सा भी लेकर के आऊँगी, या तो हो सकेगा तो दोनों ही ले आऊँगी, और आप भी यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोगनवेलिया के छोटे छोटे प्लांट भी हैं जो उन्होंने कटिंग से ग्रो किए होंगे, देखिए पिंक कलर में हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है ये, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आप इनको अगर छोटा प्लांट लेना चाहते हैं तो आप छोटा प्लांट लेकर के अपने तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए वाइट रोज है जो बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करता है,
इधर दिखा दूँ आपको तो बहुत सारे परमानेंट प्लांट हैं जिनको आप अभी समर में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक जोरा है और ये है लालटेन हिबिस्कस जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इन्हें देखिए छोटे छोटे से फूल भी आ रहे हैं पिंक और ऑरेंज कलर में, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है इसके प्लांट। और ये देखिए मैंडविला के भी कुछ प्लांट हैं, मैंडविला में पिंक कलर था, मुझे भी लेना भी था बट पता नहीं मैं कैसे भूल गई लाना उसको फिर। तो एक तो स्पेस की कमी है ना थोड़ी सी, तो ये भी दिक्कत हो जाती है। इधर कुछ अडेनियम है और सकुलेंट कैक्टस भी रखे हुए हैं देखिए, और कॉस्मस के प्लांट है। आप इस समय बेगम बहार का प्लांट ज़रूर लेकर के आइए, पूरे साल चलने वाला प्लांट है और समर में भी बहुत अच्छे से चलता है, तो आप इसको भी अपने गार्डन में इस समय ऐड कर सकते हैं। देखिए पर्पल कलर के इस पर फूल आते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर से, तो आप इनको भी अपने गार्डन में ऐड कीजिए ज़रूर, और सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। बस थोड़ी सी इनकी केयर करनी रहेगी आपको, ला करके आप इसको प्लांट पे थोड़ा 10 इंच के पॉट में रिपोर्ट कर लीजिए, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। मैंने पहले ये वाला प्लांट सेलेक्ट किया था जिसमें फ्लावर आए हुए हैं, लेकिन इसके बाद मुझे थोड़ा और घना सा प्लांट पसंद आ गया तो मैंने वो वाला ले लिया। ये देखिए हिबिस्कस से कितने सुंदर सुंदर से कलर हैं, बहुत ही प्यारे से कलर हैं, और सबका प्राइस 50 रुपीज़ है, तो काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट हैं, आप ले सकते हैं यहाँ से। रोजेस भी इस समय बहुत ज़्यादा सुंदर हेल्दी से थे, आप देख सकते हैं, आप चाहे तो रोज़ ऐड कर सकते हैं, बस रिपोर्टिंग में वही गलती मत कीजिएगा, पूरी रूट बॉल को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, रिपोर्टिंग आप उसकी थोड़ी सी मिट्टी हटा करके कर सकते हैं, बाकी आपको बहुत ज़्यादा यानी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर कुछ हिबिस्कस ही है अभी और रोजेस हैं सारे, पीछे क्रोटन है, बेगम बहार भी है, इनको आप ज़रूर लेकर आए। इस समय आप कोचिया ला सकते हैं, कोचिया भी बहुत सुंदर हेल्दी से प्लांट होता है। ये देखिए बेगम बहार का ये वाला प्लांट काफ़ी ज़्यादा बुसी था, बहुत ही सुंदर से था, तो देखिए ये प्लांट मैंने शायद सेलेक्ट किया इसी को, काफ़ी हेल्दी सा है। और यहाँ पर देखिए अडेनियम में आपको कलर दिखा दूँ, ये देखिए ब्लैक रोज रेड सा है, सबके कलर लगभग एक जैसे ही थे, और मेरे गार्डन में ऑलरेडी ये कलर बहुत सारे हैं। 250 प्राइस था इनका, ये देखिए, तो प्लांट ठीक है, हेल्दी है, अच्छा है। और इधर भी कुछ अडेनियम ही हैं देसी वाले, ये कुछ हैज में जो लगाते हैं टोरेंटा का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत से, आप इनको भी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में, हैज बना सकते हैं उसकी, क्यारी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ हिबिस्कस हैं, कुछ रोजेस हैं, आप इस समय मनी प्लांट ला करके अच्छी सुंदर सी हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। इधर दिखाऊँ तो इंडोर प्लांट भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, ये बहुत ही डेकोरेशन वाला प्लांट है, काफ़ी डेकोरेटिव मतलब खूबसूरत सा प्लांट है, तो बहुत ही सुंदर से हेल्दी से प्लांट है। इंडोर प्लांट का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, आप यहाँ से इंडोर प्लांट भी ले सकते हैं, ये देखिए। और उन्होंने बड़े बड़े पॉट में इनको शिफ्ट कर दिया है, तो वो देखने में और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इधर देखेंगे तो फिलोडेंड्रोन है, लकी बैम्बू है, और ये जनार्डो के प्लांट हैं, आप इनको भी ला सकते हैं। अगर इंडोर प्लांट का शौक़ है आपको तो इंडोर प्लांट में बहुत अच्छी वेराइटी आपको मिल जाएगी। तो ये फिलोडेंड्रोन बिरगिन का प्लांट है, और अगर स्पेस अच्छी होती है तो डेकोरेटिव प्लांट लगाने में अच्छा लगता है, नहीं तो फिर अंदर ऐसे घुसा घुसा के रखना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। मेरे गार्डन का वही हाल है, कितना भी इंडोर प्लांट में कितने भी ये सुंदर से ले आऊँ, लेकिन उनको कहीं ना कहीं छुपा के ही रखना पड़ता है मुझे, ऐसे डेकोरेट करके नहीं रख पाती हूँ जगह की कमी की वजह से। ये देखिए ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है और मुझे काफ़ी पसंद है ये प्लांट। ये देखिए फिलोडेंड्रोन की पर्पल वाली वेराइटी है, पिंक और पर्पल, नीचे इसके पत्ते पर्पल रहते हैं। ये भी मेरे गार्डन में है, मैंने लगा के रखा हुआ है और यहीं से लिया था मैंने। उसके बाद देखिए ये वाइट एग्लोनिमा या डमकेन बोलते हैं, इधर एग्लोनिमा भी काफ़ी सारी वेराइटी है एग्लोनिमा की भी, इधर भी फिलोडेंड्रोन है और इनकी भी काफ़ी अच्छी वेराइटी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए नियॉन पोथोस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और कितने बड़े बड़े पॉट में इन्होंने लगाया हुआ है, और काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया था पॉट का इनके पास, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं थे पॉट, सारे ख़त्म हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर रबर प्लांट है और ये एग्लोनिमा की वेराइटी है, 250-280 ऐसे करके प्राइस है, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एग्लोनिमा में जब भी फूल खिले ना तो आप उसको हटा दिया करिए, नहीं उससे क्या होता है प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है और जो ऊपर की पत्तियाँ आती हैं ना वो छोटी हो जाती हैं, तो आप एग्लोनिमा की जब भी ऐसे फ्लावर वाला स्टिक निकलता है ना तो आप उसको हटा दीजिए, देखने में उतना खास नहीं होता है बल्कि पत्तों के साइज़ को वो छोटा कर देता है, तो अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग कर दीजिए इस तरह से। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।